जय माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों 17 मई को मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है और मंगल का ये राशि परिवर्तन मीन राशि में होगा जो कि बाकी दो ग्रहों के साथ मिलकर एक बहुत ही अधिक शुभ संयोग बनाने वाला है एक तीन त्रिग्रही योग बनने वाला है इस योग का प्रभाव कुंभ राशि के लोगों पर किस तरह से होगा कुंभ राशि के लोगों के लिए मंगल किस तरह के लाभ देगा और साथ में गुरु और शुक्र के साथ बैठकर क्या युति बनाएगा उसका कैसा प्रभाव होगा चलिए जानते हैं विस्तार से इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी देखिए हम ज्योतिष में अगर मंगल ग्रह को देखते हैं तो ये ऊर्जा को दिखाता है भूमिपुत्र कहे जाते हैं मंगल देव शक्ति देने वाले भाई, साहस, पराक्रम, इन सभी के कारक ग्रह मंगल देव हैं और जिन लोगों की कुंडली में मंगल की शुभ स्थिति होती है या मंगल मजबूत अवस्था में होते हैं ऐसा जातक निडर होता है साहसी होता है और अगर अशुभ हो तो वो पीड़ित अवस्था में बैठा हो तो वो अपने क्षेत्र की हर कठिनाइयों का सामना भी करवाता है अब मंगल का जो ये गोचर है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि मंगल अभी कुंभ राशि में थे शनि के साथ और अब आ जाएंगे मीन राशि में अब मीन राशि में पहले से ही गुरु बृहस्पति और शुक्र बैठे हुए हैं उच्च के होकर तो यहां मंगल के आने से तीन ग्रह एक साथ हो जाएंगे त्रिग्रह योग बन जाएगा और इन तीन ग्रहों के एक साथ होने से ग्रही संयोग जो होगा जो ये युति होगी ये सभी लोगों को प्रभावित करने वाली है कुछ को तो जबरदस्त लाभ देगी और कुछ को सावधानियां भी रखवाएगी अब यहां शुक्र और मंगल की युति है साथ में गुरु और मंगल की भी युति है उसके बाद अगले कुछ दिनों में शुक्र जो है वो राशि बदल जाएंगे तो इस मीन राशि में इन संयोगों का प्रभाव कुंभ राशि के लोगों पर किस तरह से होगा चले जानते हैं कुंभ राशि के लोगों के लिए द्वितीय भाव में मंगल का ये गोचर हुआ है आपके द्वितीय भाव जो कि धन का भाव है वाणी का भाव है इस भाव में मंगल विराजमान होने वाले हैं और अगर हम मंगल को देखें तो आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं साथ में दसवें भाव के भी स्वामी मंगल देव ही माने जाते हैं जिससे आप अपनी धन संपत्ति कुटुम्ब वाणी और शिक्षा को देखते हैं ऐसे में दूसरे भाव में ये मंगल की उपस्थिति का होना आपके कार्यक्षेत्र पर बहुत अधिक प्रभाव डालेगा एक तो आप मेहनत ज्यादा करेंगे ज्यादा मेहनत करेंगे तभी आपको अच्छे लाभ भी मिल सकते हैं हालांकि यही मेहनत आपको अपने भविष्य में सफलता के योग भी बनाती हुई दिख रही है इसी मेहनत के बल पर आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती हैं। इसीलिए आपको शुरुआत से ही बस अपने काम पर फोकस रखना है अपने काम पर आपको ध्यान देना है आपके कामकाजी जीवन में आपके कार्यस्थल में आपके शत्रु भी आपको मात नहीं दे पाएंगे अपने शत्रुओं से आप आगे निकलते हुए दिखाई देंगे आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो आर्थिक जीवन में देखें तो खर्चे तो होंगे खर्चे दिखाई दे रहे हैं द्वितीय भाव में लेकिन साथ में आय में वृद्धि भी होगी जो आपके हर एक खर्चे को संभाल सकती है और साथ में ये जो खर्चे हैं ना ये आपके घर परिवार के लिए ज्यादा होने वाले हैं घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ज्यादा होने वाले हैं बस इतना अगर पारिवारिक जीवन में देखें तो अपने माता पिता के साथ बातचीत करते समय आपको थोड़ा सा मर्यादित रहना होगा मर्यादा में रहना होगा कहीं आपकी छवि घर पर खराब ना हो इस बात का खास तौर से ख्याल रखना है आपको मंगलदेव कई लोगों के व्यवहार को थोड़ा चिड़चिड़ा भी बना सकते हैं मंगल क्रोधी ग्रह तो माने ही जाते हैं अब शुक्र के साथ जो युति है ये बहुत ही शुभ युति है मंगल की और साथ में गुरु भी बैठे हुए हैं तो तीनों मिलकर बैलेंस तो बनाकर रखेंगे यहाँ द्वितीय भाव में ये धन का भाव तो होता है वाणी का भी होता है वाणी पर थोड़ा सा संयम जरूर बनाकर रखें क्योंकि मंगल जब चिड़चिड़ा करेंगे तो सबसे अधिक प्रभाव वाणी पर ही पड़ेगा जिसकी वजह से किसी परिजन से या किसी करीबी से विवाद होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, विवाद होने की आशंकाएं ज्यादा रह सकती हैं इसलिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा संयम रखना होगा अब अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए मंगल का ये गोचर अच्छा रहने वाला है इस दौरान अपने स्वास्थ्य का बस ध्यान रखें बाकी शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन आप कर पाएंगे और शिक्षा के दृष्टिकोण से समय भी बहुत अच्छा रहेगा आप कहीं दूर की यात्रा भी कर सकते हैं क्योंकि मंगल यात्राओं का कारक ग्रह भी है और मंगल का ये गोचर आपको आपके लिए यात्राओं का योग बना रहा है यात्राएं आपकी हो सकती है इसके अलावा मंगल शुक्र और गुरु जो तीनों ग्रह एक साथ बैठकर ये त्रिग्रह योग का निर्माण कर रहे हैं यहाँ बुद्ध की गुरु की जो स्थिति है वो बहुत ही शुभ है जो मीन राशि में ग्रही संयोग है ये एक सप्ताह के लिए ही बनेगा जो ग्रही संयोग है उसके बाद शुक्र भी राशि बदल लेंगे और शुक्र की राशि बदलने से ये योग टूट जाएगा और साथ में दो ग्रह एक साथ रह जाएंगे तो प्रेम जीवन में कई तरह के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि शुक्र प्रेम के कारक ग्रह हैं तो प्रेमी जीवन में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे अच्छे बदलाव भी होंगे और ये और कुछ सावधानी भरे भी होंगे जहां आपको सावधानियां भी रखनी होंगी लेकिन धन लाभ के उचित संयोग बनते दिखाई दे रहे हैं द्वितीय भाव में क्योंकि धन का भाव है और शुक्र भी माँ लक्ष्मी के उपासक है तो उचित धन लाभ तो आपके लिए होगा ही होगा अगर आपकी कुंडली में शुक्र की कोई अंतरदशा नहीं चल रही है तो अचानक से धन लाभ के योग भी बनेंगे जो आपने सोचे ना हो ऐसी जगह से आपके लिए पैसे आने के रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे साथ में खर्चे का योग भी है खर्चा भी होगा घर परिवार से जुड़ी चीजों की खरीदारी करने के लिए आपका खर्चा होगा तो उस चीज के लिए भी आपको तैयार रहना है और कुछ चीजें हैं जिनका आपको जरूर ध्यान रखना होगा जैसे किसी से उधार लेना इस दौरान आपको खास तौर से ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप किसी से पैसा लेते हैं लोन लेते हैं कर्जा लेते हैं तो मंगलवार के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना है ध्यान रखें मंगलवार के दिन लिया गया पैसा आपके लिए बड़ा मुश्किल खड़ी कर सकता है तो इस चीज का आपको ज्यादातर ध्यान रखना होगा बाकी आ, कर्म भाव के स्वामी हैं तो सबसे ज्यादा कर्म को प्रभावित करेंगे मंगल और कर्म को प्रभावित करेंगे तो आ, आपको अपने काम का जीवन में ज्यादा मेहनत करवाएंगे इस राशि के जो जातक किसी ऐसे काम से जुड़े हुए सेना विभाग से जुड़े हुए हैं या फिर आप जॉब चाहते हैं सेना विभाग में और उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये समय बहुत ही उत्तम रहेगा यहाँ चांसेस बहुत ज्यादा आपको दिखाई देंगे बहुत ज्यादा लगेंगे इस तरह की जॉब में जाने के लिए यानी सेना विभाग से जुड़ने के लिए ये समय आपके लिए बहुत उपयुक्त है और अगर आप कुछ छोटे छोटे उपाय कर लें तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेंगे क्योंकि तो मंगल के उपाय बहुत ज्यादा हितकारी होते हैं बहुत ही जल्दी रिजल्ट देने वाले होते हैं कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं मंगल के जो बहुत उत्तम उपाय माने जाते हैं जैसे अपने अगर आपका घर बड़ा है और आप एक वृक्ष लगा सकते हैं एक पौधा आप लगा सकते हैं तो आप एक नीम का पौधा जरूर लगाएं और फिर उसकी देखभाल करें उसको सींचे ये एक बहुत अच्छा उपाय है बाकी मंगल के उपाय की बात करें तो लाल चीजों का दान करना जैसे मसूर की दाल का दान करना अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आप लाल मसूर का दान जरूर करें मंगलवार के दिन इससे मंगल दोष से भी छुटकारा मिलता है और आपका कर्जा भी बहुत ही जल्दी उतरता है ये उपाय भी बहुत ही उत्तम है और नियमित रूप से भगवान हनुमान की पूजा आप कर सकते हैं तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें